अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खारिज किचन। आज मैं आपसे रमज़ान की तैयारी का वीडियो शेयर कर रही हूँ। जो मैंने क्या क्या तैयारी की है वो आपको मैं बता रही हूँ, ताकि आप लोग को आसानी हो और आप लोग भी तैयार कर सके सारी चीज़ें। तो रमज़ान में बहुत आसानी हो जाएगी और रोज़े में तकलीफ़ भी नहीं होगी और रोज़े भी आपके अच्छे जाएंगे। और मैं आप लोगों के लिए दुआ करूँगी, अल्लाह आपको रमज़ान की सारी नियामतें बरकतें नाजिल करें और रोज़े आपके अच्छे ठंडे जाए। आप लोग भी मेरे लिए ज़रूर दुआ करना रमज़ान में। और आप सबको रमज़ान आने वाला है तो उसके पहले से ही मैं मुबारकबाद देती हूँ, बहुत बहुत मुबारक। चलिए मैं आपको बताती हूँ, ये मैंने बिरिस्ता बना कर रखा है, देख सकते हैं आप। मैंने 4 किलो प्याज का ये बिरिस्ता बनाया है और उसको ज़िपलॉक बैग में पैक करके इसको मैंने फ्रीज़र में रखा था। ये रमज़ान में आप कोई भी सालन बनाना हो, चिकन का, मटन का, तो झट से बिरिस्ता डाल सकते हैं। प्याज वगैरह कट करने की ज़रूरत नहीं है, बड़े आसानी से बनता है। आप इसको चने पर, रगड़े पर डालकर खा सकते हैं, या आपको कोई भी कबाब बनाना हो तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। और ये मैंने मोज़रेला चीज़ लिया है 1 किलो का, अमूल का। ये देखिए, ये खिसा हुआ आता है और ये 400 रुपये का आता है, यह बड़े आसानी से दुकानों में मिल जाता है। और ये भी अमूल का चेडर चीज़ है, ये भी खिसा हुआ, ये भी 1 किलो का मैंने लिया है, क्योंकि रमज़ान में चीज़ यूज़ होता है। आप समोसे में या पिज़्ज़ा बना सकते हैं, सैंडविच बना सकते हैं, तो ये आप पहले से सारे चीज़ें देख कर रखेंगे तो ये आसानी हो जाएगी आपको। इसको साइड में करेंगे। अरे देखिए, मैंने ये पराठे भी लिए, शाही पराठे। ये हमारे गांव में बनते हैं, लेकिन ये मुमरा में मिलते हैं, और कहीं मिलते तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने मुमरा से लाए हैं, ताकि रमज़ान में कभी कभार रोटी नहीं बना सके तो ये पराठे खा सकते हैं। और इसको भी फ्रीज़र में रखना पड़ता है। अरे देखिए, मैंने ब्रेड क्रम बना कर रखा है फ्रेश। मैंने ब्रेड लेकर सुखा कर उसको क्रम बनाकर डब्बे में भर कर रखेंगे फ्रिज में, ताकि बाद में आपको आसानी हो। और देखिए, मैंने बादाम पिस्ता भी काट कर सुखा कर धूप में मैंने अच्छे से सुखा कर डब्बे में पैक करके फ्रिज में रखेंगे। और ये देखिए, मैंने मेयोनीज लिया है। ये आप बड़ा पैकेट लेंगे तो इसमें पैसे भी कम लगते हैं और ढेर सारा भी आता है। आप छोटे छोटे बॉटल लेंगे इसमें पैसे ज़्यादा जाएंगे और कम क्वांटिटी मिलती है। ये कुछ 150 रुपये का है। इस तरह से आगे और चीज़ें बताती हूँ। और ये देखिए, मैंने मिर्ची पाउडर बना कर रखी है, लाल सूखी मिर्ची। मैंने कश्मीरी मिर्ची लेकर धूप में सुखा कर, इसको भुनना नहीं है, इस तरह पीस कर रखेंगे तो आप इसको हर चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। चने में वगैरह खट्टा बटाटा बनाते उसमें डाल सकते हैं। और ये काली मिर्ची का पाउडर भी मैंने पीस कर रखा है। ये धनिया जीरे का पाउडर है, मैंने 1.5 किलो धनिया लेकर इसमें 150 ग्राम जीरा डालकर सुखा कर धूप में अच्छे से फिर भून कर इसको पीस कर रखेंगे। और ये मैंने इमली की चटनी बनाई है, इमली, खजूर और किशमिश की चटनी। क्योंकि मैंने बहुत सारी बना कर रखी है, बहुत टेस्टी बनती है ये चटनी। ये आप चने में, रगड़े में, दही वड़े पर डालकर खा सकते हैं, कोई भी पकौड़े के साथ खा सकते हैं। ये रमज़ान में बहुत यूज़ होने वाली चीज़ है, आप लोग इसको ज़रूर बनाना, ये बहुत टेस्टी बनती है। और जल्दी मैं इसकी रेसिपी आप लोगों से शेयर करूँगी। ये सारी चीज़ें हो गई। और ये देखिए, मैंने हरा मसाला भी ज़्यादा पीस कर रखा है, अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट ज़्यादा क्वांटिटी में, और 2 डब्बे बना कर रखे हैं मैंने, 1 रोज़ यूज़ करने के लिए, और बाकी का बचा हुआ मैंने फ्रीज़र में रखा है ताकि वो ख़राब ना हो जाए, उसका कलर चेंज नहीं होता फ्रीज़र में। आप भी इसी तरह बना कर रखो ताकि रमज़ान में आसानी हो जाएगी और आपको, आप लोगों को इबादत करने का भी टाइम मिलेगा। ये सारी चीज़ें आप तैयार करके रखेंगे तो आपके पास टाइम ज़्यादा होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकते हैं। अरे मैंने खजूर भी लाकर डब्बे में भरकर फ्रिज में रखा है। ये मैंने कुछ काजू भी लिए हैं, ये शिरकुरमे में यूज़ होंगे। और मैं कुछ रेसिपी बनाती हूँ तो मुझे काजू लगते हैं तो मैं वो भी ला कर रखी हूँ। देखिए, इस तरह मैंने सारी चीज़ें तैयार करके रखी है, आप लोग भी रखो। और आप लोगों से गुजारिश है कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में, फ्रेंड में। और आप लोग जो मुझे कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप लोग मुझे कमेंट करते रहना और मुझे उससे हौसला मिलता है। और रमज़ान में आप लोग ज़रूर मुझे दुआओं में याद रखना। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफिज़।